अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, आप कंसीव करना चाहते हो, अपनी बोन डेंसिटी को मेंटेन करना चाहते हो, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को मीट आउट करना चाहते हो या फिर ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो अपने डे टू डे लाइफ में आप फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। सो गाइस, अपनी स्किन और अपनी हेयर के लिए आप ऊपर से कुछ भी कर ले, वो तब तक अच्छी नहीं लग सकती है जब तक आपकी बॉडी अंदर से हेल्दी नहीं हो, अंदर से आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं हो, क्लेंज नहीं हो। यानी अंदर का सिस्टम अगर खराब है, अंदर कुछ डेफिशिएंसीज हैं, तो ऊपर वो ग्लो और चमक नहीं आएगी, चाहे आप महंगे से महंगा फेशियल कर लो, महंगे से महंगा ट्रीटमेंट करा लो। क्योंकि हम दिन भर कितनी भी अच्छी चीजें खा लें, कितनी भी हेल्दी चीजें खा लें, कहीं ना कहीं वो न्यूट्रिएंट्स की कमी, वो डेफिशिएंसीज हमारी बॉडी में हो ही जाता है। और जब इग्नोरेंस की वजह से ये हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये हमारी डे टू डे लाइफ में नजर भी आने लगती है, हेयर फॉल की फॉर्म में। स्किन अगर आपकी बहुत ज्यादा खराब हो रही है, डिस्कलरेशन हो रहा है, अगर आपके अंदर कोई एनर्जी नहीं रहती है, एनर्जी लेवल हमेशा डाउन रहता है, आप हमेशा डिहाइड्रेटेड फील करते हो, फटीग यानी कि चक्कर आना, एनीमिया जैसी प्रॉब्लम आपको हो रही है और विटामिन्स की डिफिशियंसीज आपको हो रही है। मैंने भी रिसेंटली अपना चेकअप कराया है, मुझे भी विटामिन B12 एंड विटामिन डी की कमी है। मैं भी अच्छा खाती हूँ, हेल्दी खाती हूँ, फ्रूट्स लेती हूँ, बस वही बात है ना कि आजकल चीजें तो आ रही है मिलावट वाली। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एप्पल ले लीजिए, तो एप्पल में भी इतनी ज्यादा कोटिंग होती है कि हम उसे उसके छिलके के साथ नहीं खा सकते हैं, हमें पील करना पड़ता है तभी हम खा सकते हैं, बट जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स छिलके में होती है वो हमसे मिस हो जाती है। तो इसी तरह की चीजें हमारे साथ डे टू डे लाइफ में होती रहती है, यानी कि कोई भी चीज आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिल रहा है तो वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे। सो गाइस, इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो अपने डे टू डे लाइफ में आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे फोरमोस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टिप तो यही है दोस्तों कि उठने के बाद कुछ लोगों को आदत होती है चाय पीने की, मुझे भी थी। उठते ही आपको चाय नहीं पीना है, आपको क्या करना है, गुनगुना पानी पीना है और वो आपको पीना है बासी मुंह, अगर आप समझते हो तो। आपको ब्रश करने से पहले कोई भी आपको माउथ वॉश नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। सीधे जब आप बेड से उठ के आते हैं तो पानी को गुनगुना करिए, लूक वार्म करिए और फिर पी लीजिए। क्योंकि हमारे माउथ में, हमारे सलाइवा में डेवलप होते हैं कुछ ऐसे एसेंशियल एंजाइम्स जो आपकी बॉडी में जब जाते हैं गुनगुने पानी के साथ, तो आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफाई करते हैं, क्लेंस करते हैं। तो सबसे पहला टिप तो ये हो गया कि बिना ब्रश किए, बिना माउथ वॉश किए आपको पीना है गुनगुना पानी। और ये टिप फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे आपकी कोई भी हेल्थ इश्यू हो, बहुत ज्यादा ये हेल्प करती है उसे रिलीफ दिलाने में। सेकेंड टिप मैं आपको ये दूंगी कि कुछ भीगे हुए चने, कुछ भीगे हुए मूंगफली या बादाम आपको खाने चाहिए इसके बाद, जो आपकी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करते हैं। मैंने एक रेसिपी आपके साथ शेयर की थी जहां पे आपको पीनट्स को, रेजिन्स को, आमंड्स को और खसखस को सोख करके रखना है, चने भी हो तो उन्हें भी सोख करके रखना है। और सुबह आपको जब आप पानी पी लेते हैं तो ब्रश वगैरह कर लीजिए और उसके बाद आपको ये भीगे हुए कुछ सोख नट्स लेने हैं। और ये आपकी बॉडी में जो कमाल दिखाएंगे ना, जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, वो कोई भी दूसरा नहीं कर सकता है। तो ये आपको लेना ही लेना है, जो भी इंग्रेडिएंट्स आपकी बॉडी में सूट करते हैं उन्हें आपको ले लेना है और उसे सोक करके आपको रख देना है। रात भर सोक होने दीजिए और सुबह उन्हें आपको ले लेना है। बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी में मत दीजिएगा, 4 से 5 बादाम ले सकते हैं, अब तो सर्दियां आ गई हैं। पीनट्स ले सकते हैं अगर आपको पीनट सूट करते हैं तो। थायराइड के पेशेंट है तो पीनट मत लीजिएगा, थायराइड के पेशेंट में पीनट्स अलाउड नहीं होता है, क्योंकि मुझे भी थायराइड है तो मैं आपको ये बता सकती हूँ। एंड थर्ड एंड सबसे लास्ट स्टेप जो काफी सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डे टू डे लाइफ में हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, तो आपको इन्वेस्ट करना है किसी ऐसे सप्लीमेंट में जो आपकी बॉडी की जरूरतों को पूरी कर पाए। चाहे आपकी विटामिन की डेफिशिएंसी हो, आपको आयरन की डेफिशिएंसी हो, मिनरल्स की डेफिशिएंसीज हो, बहुत जरूरी है इन्हें पूरा करना। मैं भी जब डॉक्टर के पास गई थी तो मुझे भी उन्होंने सप्लीमेंट दिया था कि आप कितना भी अच्छा खा लो, आपकी ये जरूरतें पूरी नहीं होने वाली है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, आप कंसीव करना चाहते हो, अपनी बोन डेंसिटी को मेंटेन करना चाहते हो, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को मीट आउट करना चाहते हो या फिर ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, तो कोई ऐसा सप्लीमेंट जरूर ले जो आपकी बॉडी पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाए, जो आपकी बॉडी के सारी एसेंशियल नीड को पूरा करे और आपको हेल्दी रखने में मदद करे। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ न्यू हर्ब्स के ट्रू विटामिन्स विद आयोडीन। इसमें एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स तो है ही, साथ ही साथ है इसमें आयोडीन जो आज तक मुझे किसी भी सप्लीमेंट में नहीं मिला है। एंड गाइस, ये है मेरी सेकेंड बॉटल, इसकी पहली बॉटल ऑलरेडी मेरी मदर इन लॉ यूज कर रही हैं, इनटेक कर रही हैं एंड उनको काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि मुझे डेफिशिएंसी हो गई थी विटामिन डी एंड विटामिन B12 की, तो ये दोनों कमी से पूरी होती है। इसमें एसेंशियल विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, आयोडीन भी है,
आइए डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। सो गाइज, ये है न्यू हर्ब्स की तरफ से ट्रू विटामिन विद आयोडीन। ये आपको वंस अ डे लेना है, यानी इसकी एक टैबलेट आपको दिन में एक बार लेनी है मील के साथ, खाली पेट नहीं लेना है। इसमें है ब्लेंड हेल्दी विटामिन्स एंड मिनरल्स का, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी टू, विटामिन ई, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 एंड विटामिन सी। साथ ही साथ है इसमें आयोडीन, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, इस तरह की आपको इसमें टैबलेट्स मिलती हैं। 60 टैबलेट्स आपको मिलती हैं, दिन में एक बार आपको इसे खाना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ब्रेस्ट फीडिंग है या फिर कोई सीरियस इलनेसेस हैं तो आप इसे अपने डॉक्टर से पूछे बिना ना लें, बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के इसे ना लें। आपको यहाँ पे मिलेगा एक एक्सपर्ट का फोन नंबर, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, इसके बारे में पूछ सकते हैं, आपको इसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए आप इनसे पूछ सकते हैं, ये आपको अच्छे से सजेस्ट कर पाएंगे। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग है या फिर आपको कोई सीरियस इलनेसेस हैं तो अपने डॉक्टर से पूछे बिना इसे नहीं लीजिएगा। बाकी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कोई भी इसे ले सकता है, मैं भी इसे ले रही हूँ और हाईली रिकमेंड करती हूँ आपको। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। इन तीनों टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं दोस्तों तो हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में काफी ज्यादा आपको मदद मिलेगी। हेल्दी डाइट तो लेना ही है, एक्सरसाइज तो लेना ही है, ये पार्ट मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि ये तो ऑब्वियस है, ये तो करना ही पड़ेगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं तो कोई भी चीज काम नहीं करेगी। हेल्दी लाइफस्टाइल वीडियोस लाती रहूंगी आपके लिए जिससे आपको मदद मिले एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने में। जो मैं अपने लिए कर रही हूँ ये मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बिना यूज किए मैं कोई भी चीज आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ। जब मुझे 100% रिजल्ट मिलता है, जब मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए तभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे इन टिप्स को फॉलो करिएगा। अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है, मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो एक थम्स अप दीजिए, एक लाइक देके जाइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।